अगली खबर आ रही है सीहोर से, जहां विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल द्वारा नसरुल्लागंज थाने का घेराव किया गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता थाने पहुंचे और विगत दिनों हुई घटना पर गिरफ्तार किए गए लोगों पर कड़ी से कड़ी कार्यवाही करने की बात कही है। आपको बता दें कि एक निजी स्कूल बस जो ग्राम सौठिया बच्चों को छोड़ने जा रही थी, तभी कुछ युवकों द्वारा बस ड्राइवर के साथ मारपीट की गई व बस में तोड़फोड़ भी की गई, जिसके कारण बच्चे सदमे में हैं। इसको लेकर स्कूल बस ड्राइवर ने नसरुल्लागंज थाने पहुंचकर आरोपियों के खिलाफ FIR दर्ज कराई है। घटना के बाद कुछ छात्र स्कूल नहीं पहुंचे और बच्चों में भय का माहौल बना हुआ है, जिसके चलते विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं द्वारा नसरुल्लागंज थाने का घेराव करते हुए थाना प्रभारी कंचन सिंह ठाकुर को चेतावनी दी कि उक्त आरोपियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जाए, जिससे कि ऐसे अपराधियों को सबक मिल सके। अगर पुलिस द्वारा कोई कड़ी कार्यवाही नहीं की गई तो विश्व हिंदू परिषद उग्र आंदोलन करेगा। वहीं मीडिया से चर्चा करते हुए SDOP आकाश अमलकर ने बताया है कि स्कूल बस ड्राइवर और अन्य लोगों के साथ मारपीट हुई है, जिसमें 3 लोगों को पूछताछ के लिए बुलाया गया है, जांच कर उचित कार्यवाही की जाएगी। आपने जो धारा लगाई वो धाराओं में कोई दम नहीं है, दांत में थोड़े हैं, दांत में खाना मारा और अच्छे से मेडिकल करा लेंगे, मेडिकल के हिसाब से आगे तो नहीं, प्लान भी दांत के साथ ही धारा रखी जिस तरीके से इसे मारा है, बहुत अच्छा हुआ कि उन्होंने अरेस्टिंग दे दी, वरना आपको हमें बंद करना पड़ता। हम तो स्पष्ट बात करते हैं, क्योंकि हम उन्हें उस लायक नहीं छोड़ते कि वो आपके थाने तक चल के आते। स्पष्ट बात मैं आपको बताता हूँ, ये व्यक्ति को देखिए, बुजुर्ग आदमी, इसकी कोई गलती नहीं, आप पूरे गांव से पूछ लीजिए। और इतना वर्चस्व हो गया इनका, इन जिहादियों का, कि इस प्रकार से ये हाथ लगाएंगे हमारे भाइयों को। तो आपसे निवेदन है मेरा, महोदय जी, 3 थे 4 थे। मेरा नाम कहाँ के लिए भी, हम स्कूल की बस चलाता हूँ जी, आम्बा जदीद का रहने वाला हूँ। क्या घटना हुई थी कल? घटना क्या, वो एक बच्ची को उतार रहा था सोटिया वाली जी, वहाँ उतार के मैं गाड़ी में बैठा, तो गाड़ी में बैठ के मैं चल दिया, इतने में देखा मैंने पीछे मुड़ के तो वो गुड़िया गिर गई, उसको मोटरसाइकिल वाले ने फेंक दिया। मैं पहचानता तो नहीं था उनको, मोटरसाइकिल वाले ने फेंक दिया, मैंने देखा तो बच्चों ने बोला दादा, कहने लगे वो गुड़िया को फेंक दी। मैं उतर के गाड़ी से गया, बच्ची को उठा के मैंने अंदर घर करा उसको, बस मैं फिर डबल से गाड़ी में चढ़ा, तो मेरी गाड़ी की चाबी निकाल ली और मेरे को मारने लगे। कौन लोग थे वो आप जानते हो? वो लालू यादव, लालू को जानता हूँ, लालू सभी के, लालू उसको पहचानता हूँ बस, और वो उसके 2-3 भाई उसके नाम। कोई बात उस दौरान आपकी उनके बीच में कोई कहार सुनी हुई या नहीं? मेरी को, मैंने कुछ भी नहीं बोला, कुछ भी नहीं हुई, सिर्फ मारना शुरू बस वो तो मारना शुरू। क्या करा आपके साथ बस में भी, क्या करा बस में उस समय? कितने बच्चे बैठे? चाबी निकाल ली और मेरे को उतार लिया गेट। बच्चे कितने बैठे थे? बच्चे तो 24-25 थे, और उतार दिया था मैंने मुन्ना कॉलोनी में 2 बच्चे को। हाँ, गाड़ी में तोड़ फोड़ हुई? 2 नीलकंठ रोड पे उतार दिया, मेरे सामने नहीं तोड़ी थी गाड़ी, बाद में तोड़ी बताए। अच्छा, आप चले गए थे? मैंने मेरे भाई को बुला लिया था नसरुल्लागंज से जी, नसरुल्लागंज से फिर थाने आ गया। हिंदू परिषद बजरंग दल जिला संयोजक मुकेश शर्मा, हमें घटना का ज्ञात हुआ, हमारे जो ना के तहसील संयोजक है, उन्होंने मेरे को फोन लगाया कि भैया इस तरह की सोटिया में हरकत हुई है और मारपीट हुई हिंदू के समाज के साथ अपने, और डावर थे, बस में बच्चे बैठे हुए थे, स्कूल की गाड़ी थी जिसमें तोड़फोड़ की गई है, और FIR के जो हुई है वो बिल्कुल न्याय के नी के समान FIR हुई है, जो उसमें उनको पनिशमेंट नहीं मिल सकते, क्योंकि ऐसे असाजमिक तो जो तत्व है जिनको दंडित करना चाहिए, तो उचित कार्रवाई के लिए जब FIR नहीं हुई तो हम लोग सब थाने में आए हैं। थाने में आकर हमने मैडम जी से बात करी है कि भाई उचित कार्रवाई की जाए और जो लोग फरार है उनको गिरफ्तार किया जाए, और जो कूटफाट हुई है बस में हुई है, और मेडिकल सही से किया जाए, इनका मेडिकल सही से हो, सही धारा लगे कि इनको जेल पहुंचाया जाए, इनको पनिशमेंट मिलना चाहिए। इस तरह की हरकत आए दिन मुस्लिम द्वारा हिंदू के साथ अत्याचार जो हो रहा है, अत्याचार के खिलाफ में विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल तैयार है कि अब अत्याचार नहीं सहने वाला है विश्व हिंदू परिषद, क्योंकि हमारे वो दादा को बहुत मारा और हम गाड़ी में थे और शीशा तोड़ा तो हम चमक गए, बहुत जोर से रोए। फिर किसी ने, सोटिया वालों ने उनको उतार के नाश्ता वगैरह करवाया, उनको संतुष्ट दिलाया, बहुत रो रहे थे, और चुप कराया उनको, चुप कराया, पानी पिलाया,
बहुत भयभीत है। आपके वहाँ के कितने बच्चे बैठे रहते हैं उसमें? लगभग सभी के 17-18 आते हैं, सभी की यही स्थिति। जी बहुत डरे हुए बच्चे, बिल्कुल स्कूल आने के लिए मना ही बोल रहे हैं, बोले कि हम स्कूल नहीं जाएंगे। का वाहन था जो सोटिया तरफ जा रहा था, जिसका एक्सीडेंट हुआ था टक्कर में, वो एक्सीडेंट के बाद दो पक्षों में विवाद हुआ, जिस पर दोनों तरफ से कायमी की गई है, वो जो भी न्यायोचित कार्रवाई की जाएगी उसमें की जाएगी। सर इसमें बस में भी तो तोड़फोड़ की गई है। बस का जैसे अभी तक फरियादी ने जैसे भी उसके कथन हुए उसके अनुसार जो भी कार्रवाई करे वो की जाएगी। कोई गिरफ्तारी वगैरह हुई क्या सर? अभी जो फरियादी था महेश, उसके कथनों के अनुसार तीन लोगों को हमने अभी पूछताछ के लिए बुलाया। सर घटना के सुनने में आ रहा सीसीटीवी कैमरे में भी रिकॉर्ड हुई है, तो क्या उसकी तफ्तीश की गई है? अभी जैसे बताया गया है, अगर इस तरह का कोई पॉइंट आएगा तो जरूर उसको व्यवस्था में शामिल करेंगे। बच्चों के पेरेंट्स बता रहे हैं सर कि अभी तक बच्चे सदमे में हैं, उसमें जो बच्चे बैठे हुए थे तभी तोड़फोड़ हुई थी। उनसे भी पूछताछ कर लेंगे, अगर उनको लगता है तो अपन उसको शुमार कर लेंगे, अगर इस तरह की घटना भी कुछ हुई होगी। नमस्कार रीवा, मैं हूँ भानु पंडित। और मैं हूँ अनीता भट्ट, और हमारे यहाँ आपके शहर रीवा 11 दिसंबर 2022 कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम में एक सुरों की महफिल सजाने, जिसका नाम है उड़ान शाम में गजल, एक शाम सूफी संगीत के नाम में अपनी प्रस्तुति देने के लिए। तो हम चाहते हैं कि आप सभी आए वहाँ पे इस संगीत में शाम का हिस्सा बनने के लिए। और हम दोनों स्पेशली थैंक्स बोलना चाहते हैं अभ्युदय उपकार फाउंडेशन की तरफ से अनामिका शुक्ला जी का, जिन्होंने हमें भीवा शहर आमंत्रित किया। तो सी यू ऑल दैट।